जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम खड़े हैं सिंगरौली के गोरबी मोरवा मार्ग के मध्य शुक्ला मोड़ पर, और मैं आपको जो दृश्य दिखा रहा हूँ वो दृश्य आप सभी लोगों को मालूम है कि क्या है। हमारे आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ, उसमें आप कोल वाहन भी देख सकते हैं, ऑटो रिक्शा भी देख सकते हैं, दो पहिया वाहन वाले भी देख सकते हैं। और आज का जो रक्षाबंधन है, उस रक्षाबंधन में आप ये भी देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो राखी बंधवाने के लिए जा रहे हैं या राखी बंधवा करके आ रहे हैं। मुद्दा ये है कि सुबह 5 बजे से आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी जाम लगी हुई है, और जाम लगने का एक मेन मुद्दा यह है कि किसी न किसी गाड़ी के ब्रेकडाउन होने के कारण जो सड़कें हैं वो इतनी पतली हैं, जो सड़कें हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति का मतलब चलना ज़रूरी होता, या आप कह सकते हैं कि कोल वाहन के रास्ते को अगर अलग कर दिया जाता तो शायद ये जाम ना लग पाता। लेकिन इन्हीं पतली सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, कोल वाहन की गाड़ियाँ चलती हैं, इसके अलावा आम जनमानस को भी इसी से होकर के गुजरना पड़ता है। तो ये जो जाम है ना, ये काफ़ी लंबा जाम लग चुका है, मतलब सिंगरौली से लेकर के गोरबी तक ये बहुत लंबा जाम लग चुका है। इसमें एम्बुलेंस भी फंस रही हैं, और देखा जाए तो फिलहाल पुलिस प्रशासन की यहाँ पर हमें कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। और लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो काफ़ी कह सकते हैं कि नाराज़ कर देने वाली प्रतिक्रिया आ रही है। तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो आप कह सकते हैं शुक्ला मोड़ का मिड पॉइंट है, और ये जो रास्ता है आपका जयंत की ओर चला जाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हर तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर भी फंसी हुई नज़र आ रही हैं, और एक मान्यवर हैं जिनकी स्कॉर्पियो है जो कि वो खुद ही इसमें नहीं बैठे हुए हैं। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है आपका गोरबी के लिए जो जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर भी तीनों तरफ अगर आप देख सकते हैं तो जाम पूरे तरीके से लगा हुआ है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है आपका सिंगरौली की ओर जाने वाला, तो जो ये मुख्य मार्ग है शुक्ला मोड़ जहाँ से तीनों तरफ के रास्ते खुलते हैं, आज तीनों रास्ते ये पूरी तरीके से बंद हैं। और पूरे तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, उनमें भी पैसेंजर्स फंसे हुए हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो लोग भी यहाँ पर परेशान हैं, बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो ये जो दृश्य है ये सिंगरौली का, ये आज से पहले कई वर्षों से हम देख रहे हैं और कंटिन्यू देखते ही चले आ रहे हैं, जिसका कोई एकमात्र विकल्प हमें या किसी भी शासन प्रशासन को अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं हर तरीके से लोग प्रयास कर रहे हैं कि जाम किसी तरीके से खोला जाए, लेकिन सिंगरौली की सड़कों पर जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ब्रेकडाउन होती हैं तो अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी की बुद्धि चकरा जाती है। तो आगे चल करके क्या परिस्थितियाँ आने वाली हैं सिंगरौली की सड़कों पर, ये तो भगवान ही जानता है। ऐसी खबरों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद।